नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह रायपुर पहुंचे और साइंस कॉलेज ग्राउंड से 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ से 36 वादे जो कांग्रेस ने किए थे, उनमें से ये था कि राज्य में शराबबंदी की जाएगी। 5 साल बीत गए, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है, ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोरखपुर जंक्शन से पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। गीता प्रेस के कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। मानव मूल्यों को बचाने के लिए गीता प्रेस जैसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम और काम में भी गीता है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिक पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। इसको लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। त्रिपुरा विधानसभा के पहले ही दिन आज सदन में बीजेपी और टिपरा मोथा के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल टिपरा मोथा के विधायक अनिमेश देव वर्मा ने भाजपा विधायक जादव लाल नाथ के विधानसभा में पोर्न देखने का मुद्दा उठाया। वे चाहते थे कि इस मुद्दे पर सदन में बात हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए कुछ अन्य मुद्दे उठाए। इस पर टिपरा मोथा पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से तेलंगाना के सिकंदराबाद के लिए रवाना हुई फलकनुमा एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में आग लग गई है, जिसके कारण ट्रेन को हैदराबाद से लगभग 45 किलोमीटर दूर बोम्मईपल्ली और पगडीपल्ली के बीच रोक दिया गया। हादसा सुबह 11:30 पर हुआ। वक्त रहते सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। भोंगेर पुलिस के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद बसों के जरिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ऑटो ड्राइवर ने महिला को सड़क पर 400 मीटर तक घसीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के पति और ड्राइवर का किराए को लेकर झगड़ा हो गया था, तभी ड्राइवर अचानक ऑटो लेकर निकल पड़ा। इस दौरान महिला की साड़ी ऑटो के पिछले बम्पर में फंस गई। साड़ी फंसी होने की वजह से महिला गिर पड़ी और काफी दूर तक ऑटो के साथ सड़क पर घिसटती चली गई। ऑटो को रोकने के लिए महिला का पति भी उसके पीछे दौड़ता रहा। स्थानीय लोगों ने भी ऑटो ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के पेशाब कांड पर डाले गए एक पोस्ट को लेकर नेहा सिंह के खिलाफ भोपाल और इंदौर में FIR दर्ज हुई है। लोक गायिका पर RSS को बदनाम करने का आरोप है। नेहा सिंह के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की गई, इसमें कार्टून के जरिए एक शख्स को एक बैठे हुए शख्स पर पेशाब करते हुए दिखाया गया। पेशाब करने वाले शख्स की वेशभूषा RSS की ड्रेस जैसी है। नोएडा में शुक्रवार सुबह कुत्ते को लेकर 2 महिलाएं भिड़ गई। एक महिला कुत्ते को बिना मास्क पहनाए लिफ्ट में ले जा रही थी, तभी पति पत्नी आ जाते हैं और कुत्ते को मास्क पहनाने के लिए उससे अपील करते हैं, मगर महिला ने मास्क पहनाने से साफ मना कर दिया। इस पर दूसरी महिला के पति ने कह दिया कि ये किस तरह की लेडी है। इसके जवाब में महिला ने कहा कि तुम्हारी बीवी से तो अच्छी ही हूँ। पूरी घटना सेक्टर 137 में लॉजिक्स ब्लॉसम सोसाइटी की है। बहत्तर हुड़े के प्रोड्यूसर अशोक पंडित को सुरक्षा दी गई है। आज यानी 7 जुलाई को उनकी फिल्म रिलीज हुई है। मुंबई पुलिस की तरफ से उनके घर और ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अशोक ने कहा कि
उन्हें काफी दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सिक्योरिटी मिलने पर उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।